अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ आलू की ऐसी बेहतरीन लाजवाब सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें ना मैंने टमाटर, ना प्याज और ना ही अदरक लहसुन का इस्तेमाल किया है, मगर यकीन जानिए ये इतनी लजीज, इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है कि आप एक प्लेट के बजाय दो प्लेट खा जाएंगे, मगर आपका दिल नहीं भरेगा। तो रेसिपी शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस सब्जी को बनाने से पहले इसकी खास तैयारी देख लेते हैं। एक चम्मच जीरा, एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच धनिया, इन सभी को हम दरदरा सा कूट लेते हैं और इसे अब हम एक साइड रख देते हैं। हमें इसी तरीके से कूटना है। अब हम एक कटोरी लेंगे, इसमें हम एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे और इसमें हम थोड़ी सी मेथी के दाने डाल देंगे और डेढ़ चम्मच यहाँ पे चाट मसाला ले लेंगे। इससे बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा, मेथी ज़रा भी कड़वी नहीं लगेगी। इस तरीके से इन मसालों को मिक्स करके एक साइड रख देते हैं, इससे ये जो मसाले हैं ये अच्छे से फूल जाएंगे। अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आधा किलो आलू बॉयल कर लिया है। एक छोटा आलू हम लेंगे और उस आलू को हम इस तरीके से कद्दूकश कर लेंगे। हमें छोटा बारीक ग्रेटर लेना है, बारीक ही ग्रेट करना है। इसे भी साइड करते हैं। तैयारी हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हम गैस की तरफ आते हैं। चूल्हे पे हमने एक कढ़ाई रख दिया है। अब इसमें हम आधा कप ऑयल डालेंगे, ऑयल को गरम करेंगे। दो तीन साबुत लाल मिर्च, दो लौंग, एक बड़ी इलायची, एक तेज पत्ता, थोड़ी सी अजवाइन और ये दरदरा सा कूटा हुआ मसाला, इन सभी को दो मिनट पकाएंगे। साथ ही थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग का फ्लेवर बहुत जबरदस्त होता है, जरूर से डालिएगा। और फिर इसमें हम ये जो मसाले बना के रखे थे इसको शामिल कर देंगे और इसे दो तीन मिनट तक हम भूनेंगे। इसमें हमने 6-7 कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद है तो डाल सकते हैं। और ये कद्दूकश किया हुआ आलू डालेंगे। इसी आलू से इसमें ग्रेवी जो होती है हमारी ठीक बनेगी। जायके के मुताबिक आधा चम्मच नमक डाल देंगे। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। इसे हमने 6-7 मिनट भूना है। इतना अच्छा भुन गया है कि मसाला हमारा मलाई जैसा हो गया है। आलूओं को हम हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा इसे हमें नहीं मसलना है, कुछ बड़े छोटे रहेंगे तो ये सब्जी बहुत अच्छी लगेगी। इसे हम इसी मसाले में मिक्स करेंगे। 3-4 मिनट आलूओं को हम इसी मसाले के साथ पका लेंगे। इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। आलू भी हमारे मसालों के साथ अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम गरम करके आधा लीटर पानी डाल देंगे। पानी को गरम करके ही डालना है। अच्छे से चला लेंगे। और रेसिपी हमारी आपको अगर ज़रा भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा काला नमक, एक चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, इसे भी हम मिक्स कर देंगे, आधा चम्मच चाट मसाला, हमने जायका चेक किया कुछ कम था तो डाल दिया, अच्छे कलर के लिए थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च फिर से डाल दिया है और एक चम्मच हमने इसमें कसूरी मेथी डाल दिया है। अब इसे हम लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। ढाबा स्टाइल बहुत ही टेस्टी आलू की सब्जी हमारी बनकर रेडी हो गई है। आप इसका टेक्सचर चेक कीजिए, कितनी अच्छी, कितनी गाढ़ी है, बिल्कुल मलाई जैसी। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चाट मसाले की, कसूरी मेथी की। ये जो हमने ऊपर से गरम मसाला डाला था उसकी खुशबू भी बहुत ही जोरदार है। हरी धनिया से गार्निशिंग करेंगे, ये दम आलू से भी ज्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप इसे एक बार ट्राई कर लेंगे तो इसका टेस्ट भूल नहीं पाएंगे। इसका फाइनल लुक चेक कीजिए। रेसिपी को लाइक और शेयर कर दीजिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।